प्रिय देशवासियों, मैं एबीएस पठान। आज हम बात करेंगे देश, धर्म और आम आदमी के बारे में। देशवासियों, आप प्रभु श्री राम की जीवनी पढ़ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की जीवनी पढ़ लीजिए, आप पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ लीजिए, आप भगवान महावीर की जीवनी पढ़ लीजिए, आप गुरु नानक की जीवनी पढ़ लीजिए, आप इमाम हुसैन की जीवनी पढ़ लीजिए, किसी एक की भी जीवनी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इन्होंने कभी मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, धार्मिक कट्टरता की लड़ाई लड़ी हो। देशवासियों, अब सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे भगवान, हमारे पैगंबरों ने इन चीजों के लिए नहीं लड़ा, तो हम क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? हम जिनका नाम लेके लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी ऐसी लड़ाइयां लड़ी ही नहीं। उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है बुराई के खिलाफ, उन्होंने लड़ाई लड़ी है इंसानियत को बचाने के लिए, और हम इंसानियत को ही खत्म करने पे तुले हुए हैं। देशवासियों, हम लड़ नहीं रहे हैं, हमें लड़ाया जा रहा है। सत्ता के लिए लड़ाया जा रहा है, कुर्सी बचाने के लिए लड़ाया जा रहा है, और हम पागलों की तरह लड़ रहे हैं। जरा सोचिए, इस धार्मिक कट्टरता के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान किनका होता है? आम आदमी का नुकसान होता है, गरीब आदमी का नुकसान होता है। धार्मिक कट्टरता की वजह से जब भी दंगे फसाद होते हैं तो दुकानें किनकी जला दी जाती है? आम आदमी के। मकान किनके लूट लिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं? आम आदमियों के। हत्या, मर्डर किनके कर दिए जाते हैं? बेकसूर आम आदमियों के कर दिए जाते हैं। जो बच्चे दंगों के समय फोन करते हैं कि पिताजी घर जल्दी आ जाइए, हमें डर लग रहा है, वो बच्चे किनके होते हैं? वो डरे हुए बच्चे किनके होते हैं? वो आम आदमियों के बच्चे होते हैं। जो दंगा फसाद कराने वाले होते हैं, उनके बच्चे तो एसी के कमरों में सिक्योरिटी के साथ आराम करते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, देशवासियों, जब सारा नुकसान आम आदमी को, गरीब आदमी को होता है, तो सोचना भी आम आदमी को ही पड़ेगा। इस धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले लोगों से दूर रहे। अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, जो छोटे मोटे नेता टाइप के लोग, जो अपने छोटे से पद के लिए धार्मिक कट्टरता फैलाते रहते हैं, इन लोगों से दूर रहिए। यह खुद का भी मानसिक संतुलन खराब रखते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी खराब करते हैं। याद रखिए, धार्मिक कट्टर इंसान तब तक आपका दोस्त है जब तक आप उसकी हां में हां मिलाते हो। जिस दिन आप उसकी हां में हां मिलाना बंद कर दिया, उसकी बातों को काटना शुरू कर दिया, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। यकीन नहीं आता है तो अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, आजमा कर देख लीजिए। तो आइए, हम सब मिलकर इस धार्मिक कट्टरता से बचें और अपनी आने वाली नस्लों को भी बचाते हैं। दोस्तों, हम रहे या ना रहे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन देश मायने रखता है। देश पहले भी था, देश आज भी है, और देश आगे भी रहना चाहिए। तो आइए, हम सब मिलकर देश बचाते हैं, धर्म अपने आप बच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।